सारे ट्रक यूनियन वाले हड़ताल पे हैं। आज कोई हमारा स्टाफ गाड़ी लेके नहीं गया है। सारी हमारी गाड़ियां आज खड़ी हैं। मार्केट में कस्टमर नहीं हुए हैं और बहुत सी से सारे जो सेल होते थे अभी तक हमारे कपड़े की दुकान है वहाँ पहुँचनी तक नहीं हुई है। भाई सारे किसान लोग इसके लिए कर रहे हैं आंदोलन। भाई इतना नुकसान हो रहे हैं, अब आज एक दिन के लिए बंद लोग कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं महीने के लिए बंद कर दें। हम लोग उनके साथ में है। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मैं कुछ अमीर घर का खानदान का नहीं हूँ, मैं भी जो है सो गरीब का ही बेटा हूँ। लेकिन जो हो रहा है उसमें आज का नुकसान हमें कल जो है सो फायदेमंद की ओर लेके जाएगा, इसलिए हम जो है सो उस पर खुश हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है, मैं इस्मत आराम। किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है और आज का दिन किसान आंदोलन के लिए एक बहुत अहम दिन है। हज़ारों की तादाद में कृषि कानूनों के खिलाफ एक आंदोलन करते हुए जो किसान हैं उन्होंने आज यानी कि 8 दिसंबर को एक भारत बंद का कॉल दिया। इस भारत बंद के कॉल को कई सारे ऑपोजिशन पार्टियों ने जैसे कि कांग्रेस, AIUDF, TRS, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन दिया और कई सारे ट्रेड यूनियंस ने भी समर्थन किया है इसका। इसका असर दिल्ली में 11 से 3 बजे तक देखा जाएगा और इसका असर सबसे ज़्यादा पंजाब में देखा गया जहाँ पर एक तरह से कम्प्लीट शटडाउन हो गया है। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के वर्कर्स ने सड़कों को और रेलवे लाइंस को भी ब्लॉक किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ओखला मंडी है, ये बंद है। दिल्ली में भी इसका असर कुछ हद तक देखने को मिल रहा है। मेट्रो चल रही है मगर सड़कों पे गाड़ियां कम हैं और बॉर्डरों पे जो भीड़ है और भारी तादाद में बढ़ती ही जा रही है। इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने एक ट्वीट के ज़रिए ये बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है मगर दिल्ली पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में बंद किया आपने, तो क्यों, इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि हम भी तो किसान हैं, तो जब सब लोग कर रहे हैं हम उनके साथ में हैं और इसलिए सब लोग ने बंद किया, हमने भी बंद किया। सब लोग हड़ताल कर रहे हैं, हम भी हड़ताल कर रहे हैं। तो ये हड़ताल करने की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ होगा मैडम? पूरी कमाई मेरा नुकसान हुआ, बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। हम किसान कहाँ जाएंगे, रोड पर मरने जाएंगे? भाई सारे किसान लोग इसके लिए कर रहे हैं आंदोलन। भाई इतना नुकसान हो रहे हैं, अब आज एक दिन के लिए बंद लोग कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं महीने के लिए बंद कर दें। हम लोग उनके साथ में हैं। आप कर लोगे दुकान महीने जी बंद? तो फिर आपका नुकसान जो होगा, जो नुकसान उनका होगा हमारा भी नुकसान होगा। मतलब आप बिल्कुल पूरी तरह से डट के खड़े हुए जी किसान भाइयों के साथ में? मैं बिल्कुल डट के खड़ा हूँ। और जो और साथी हैं आपके यहाँ पे वो लोग भी सारे दुकान मैंने बंद, देखो हमारे साथ वाले जितने भी हैं सारे के बंद गए। नहीं तो ऐसे 12 बजे तक बोहनी सेल हो जाते थे, 4-5 हज़ार तक हो जाते थे, अभी तक बोहनी एक पैसे की नहीं हुई है और थोड़ा मार्केट में पब्लिक भी बहुत कम है और दर दर ट्रैफिक जो था वो सब खत्म हुए हैं, ये हमारे बहुत प्रभाव पड़े हैं। ये तो मान लो हमको सहयोग करना चाहिए लेकिन पर भारत के लिए तो मान लो एक असर पड़ ही रहा है और दुकानदार जो हैं उनके ऊपर मान लो असर पड़ रहा है। तो अगर ये असर पड़ता है तो आपको लगता है सरकार पे जो है दबाव बनेगा? मैडम सरकार का दबाव तो बनेगा लेकिन पर अब इसके लिए तो क्या कर सकते। तो भाई साहब जैसे कि यहाँ पे ओखला मंडी में हमने देखा बहुत सारे लोगों ने आज अपनी दुकानें बंद की हैं, तो आपने भी आज दुकान बंद की है, क्या सोच के बंद की है? बंद किए थे किसान के लिए, जो किसान बैठे हुए हैं उनके जगह पे हम लोग सब्जी ने बंद किए बैठे हैं। तो बहुत कुछ है यहाँ पे भी जिन्होंने खोल रखी है अपनी दुकान, क्यों खोल रखी है? खोल रखी अपने जो निजी ठिया लगाए हैं तो खोल रखे हैं और हम लोग बहरी हैं तो हम लोग ठेली से माल नहीं मिल रहा है तो उसको ठेली नहीं लगाया हूँ, बंद रखे हैं, छुट्टी कर दिया हूँ। किसानों के साथ आपका पूरा समर्थन है या मतलब किस तरह का क्या सोचते हो आप? जो किसान का आंदोलन चल रहा है वो आप लोगों के लिए भी एक बड़ा आंदोलन है क्योंकि एक किसान जो है वो गरीब है, उससे हो सकता है आपका भी फायदा हो, थोड़ा उस बारे में बताइए। हाँ उसको जैसे उनको किसानों को फायदा होगा तो हम भी फायदा होगा और जब किसानों को फायदा नहीं होगा तो हम भी कहाँ फायदा होगा। आज जैसे कि आपकी छोटी सी ठेली है उसमें अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आपकी पूरी एक दिन की कमाई चली जाएगी? हाँ, एक दिन की कमाई चली जाती है जैसे आज दिन नहीं है। आपको कोई दुख नहीं है उस बात? उसको बात का तो दुख तो है ही है, दुख है और फिर भी परेशानी है। जैसे नहीं आज लगाया तो जिसे 2-4-5 सौ रुपये जैसे कमाया तो बैठ के खा लिया तो वो सब बराबर हो जाता है, तो परेशानी तो तब होते हैं। सारे ट्रक यूनियन वाले हड़ताल पे हैं, आज कोई हमारा स्टाफ गाड़ी लेके नहीं गया है।
सारी हमारी गाड़ियाँ आज खड़ी हैं। और क्या ये समर्थन जो है वो क्यों आप लोगों ने मतलब इस तरह का समर्थन, ये समर्थन इस वजह का दिया है जी, पहले हमारी MCD की पर्ची 100 रुपये ही कटती थी, आज अगर हमें अपने घर भी आना होता है तो 1000 रुपये की पर्ची दे के छोटी गाड़ी के लिए हम अपने घर तक आ पाते हैं। अब इससे ज़्यादा समर्थन, इससे ज़्यादा हमारे साथ व्यवहार गलत और पैसे खर्च करने के बाद भी हमें फिर परेशान किया जाता है, ऑनलाइन चालान कर दिए गए हैं, उसको भुगतने के बाद भी फिर हमारा डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाते हैं। किसानों के साथ खड़े होने के साथ साथ जो है ट्रक ड्राइवरों की भी अपनी, हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत दिक्कत है जी ट्रक ड्राइवरों की, ट्रक मालिकों की तो इतनी दिक्कत है कि उनके तो कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए जैसे किसानों का जो आंदोलन है वो चल रहा है तो वो आपको क्या लगता है मतलब आप लोग खड़े रहेंगे? हाँ, उनके साथ खड़े हैं जी, अगर हमारी भी थोड़ी सुनवाई होगी तो हम खड़े ही रहेंगे। तो आपको लगता है कि भारत के जितने भी लोग हैं जो लोग आज के दिन में पिस रहे हैं वो सारे खड़े हुए हैं किसान? जी जी जी, जो जो सब पिस रहे हैं वो सब खड़े हुए हैं। और जो लोग नहीं खड़े हुए उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो अपनी जो ठीक ठाक कमा खा रहे हैं जी वो क्यों खड़े होंगे, जो नहीं कमा पा रहे हैं, जो नहीं परेशान है वो सब खड़े हैं। किसान आंदोलन के चलते आज एक भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो उससे क्या ऑटो जो चलते हैं दिल्ली में, एक समझिए दिल्ली में तो एक ब्लड एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ है ऑटो, तो उस पर भी क्या कुछ असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है मैडम, हम लोग का काम में जो मतलब बहुत तब्दील हो गया है। आज जो भारत बंद का ऐलान जो लोग सुने हैं जिसके चलते लोगों घरों से नहीं निकल रहे हैं और हम लोग जो है सो घंटों भर जो है सो रोड पर कुत्ते के जैसे घूमता रहता हूँ। कितनी कमाई हुई, कितना नुकसान हुआ, अक्सर कितनी हो जाती है, आज कितनी हुई है? मैडम 8 बजे मैं प्रतिदिन ड्यूटी पे निकलता हूँ, दूसरे दिन जब भारत बंद चाहे तो और तरह का कोई भी तरह का नुकसान जब नहीं होता है तो हम लोग जो है सो 900, 800, 700 ऐसे करके बचा लेते हैं, लेकिन आज जो है सो 8 बजे निकले हैं, अभी तक 250 रुपया का मैंने काम किया है। तो मतलब आपका काम में नुकसान तो हो रहा है एक दिन का, लेकिन क्या आपको दुख है कि नुकसान हो रहा है या फिर आप खुश हो कि भाई चलो किसानों का एक तरह से समर्थन तो हो रहा है? मैडम मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मैं कुछ अमीर घर का खानदान का नहीं हूँ, मैं भी जो है सो गरीब का ही बेटा हूँ, लेकिन जो हो रहा है उसमें आज का नुकसान हमें कल जो है सो फायदेमंद की ओर लेके जाएगा, इसलिए हम जो है उस पर खुश हैं। दवायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।